प्रीव्यू। आपका नाम बोलिए भाई। शेख अनीस उद्दीन मेरा नाम है, मैं यहाँ शानोवाड़ी में रहता हूँ। अनीस भाई, ये जो दरगाह का मुद्दा चल रहा है, ये पूरा क्या है? ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पे जो है तो एक 150-200 साल पुरानी दरगाह है जमालुद्दीन शाह कादरी की, जिनकी मजार है यहाँ पे, आप अंदर देख सकते हैं ग्राउंड में यहाँ पे खेत में। और अभी ये जो है तो ये खेत का पूरा ताबा जो है एक मंजीत प्राइड बुल के एक ग्रुप है तो उनके अंडर में है। तो ये 4 साल से उनका पोजीशन है यहाँ पे, और हम हर साल जो है तो दरगाह का संदल वगैरह जो है तो बड़ी धूमधाम से करते हैं। और 4 साल से हम जो है तो मंजीत प्राइड से परमिशन लेकर अंदर जाते थे संदल के लिए, और संदल माली करने के बाद में जो है तो हम 1 साल तक उस दरगाह पे सिर्फ फूल और अगरबत्ती लगाने के लिए जाते थे। लेकिन अभी कल जो रात में यहाँ पे घटना हुई तो वो मजार जो पीछे है, जो आप वो नीम के पेड़ के पास देख रहे हैं, तो वो मजार को जो है तो यहाँ पे एक रूम बनाकर वो शिफ्ट करने के लिए ये किया गया था। तो वो मजार को वो मजार जो वो उसको इस तरीके से शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो है तो उन्होंने कुछ नया सामान ले जाया था, कफन वगैरह, गुलाब पानी, और उसको लेवल करके उस मजार को यहाँ पे नहीं बता के यहाँ पे के मजार आप लोगों की यहाँ पे थी, वहां पे नहीं है, उसको खत्म कर देना चाहते थे। तो रात को ये प्रकार हुआ वहां पे कि जो कुछ लोग थे, इनके कामगार जो हाथों में अपने सब्बल वगैरह लेके वहां पे जेसीबी के साथ में आए थे, तो खोदने की तैयारी, उनको खोदने की तैयारी थी, इसको लेवल करने की तैयारी थी। कुछ आप वापस आ जाएंगे, उसको खोद के यहाँ पे शिफ्ट करने की उनकी तैयारी थी। जैसे हमको पता चला कि अंदर ऐसा ऐसा काम चल रहा है, तो जो यहाँ पे मेन इंचार्ज है सुराना साहब बोल के, सुराना और किशोर बोर्डे, तो हमने उनसे बात की कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे हमारी पहले भी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी थी, उन्होंने बोला था कि जो भी है मसला ये जल्द से जल्द हम इसको सेट आउट करेंगे, थोड़ा सा वक्त दो हमको। लेकिन वो वक्त के पहले जो है तो उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। फिर उसके बाद में जो है तो हमने पुलिस कंप्लेन करके पुलिस वालों को यहाँ की माहिती दी, और पुलिस वालों ने आके पूरे सारे मामले को हैंडल किया। और अभी जो है तो ये मजार आप देख सकते हैं, मजार वहां पे, और ये नई यहाँ पे डमी बनाई गई थी, तो मजार को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। ये पूरा सामान था यहाँ पे जो अभी पुलिस ने पंचनामे के साथ में वो सामान लेकर गए हैं पुलिस स्टेशन। अभी तो आपने इसमें कंप्लेन किया तो कुछ एफआईआर वगैरह हुई है? इसमें एफआईआर दाखिल हुई है। हाँ। और एफआईआर दाखिल होने के बाद में अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, अभी आगे का जो मामला है तो उनसे बातचीत होने के बाद में ये पूरा हमको जो है तो क्लियर करके लेना है। ये काय का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे? ये मंजीत प्राइड बोल के एक ग्रुप है कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने ये पूरी जमीन एक्वायर की है, ये पूरी एक्चुअल में 11 एकड़ जमीन है, और यहाँ पे उनका बिल्डिंग चल रहे है, वन वर्ल्ड बोल के सोसाइटी बनाई जा रही है यहाँ। तो ये चीज मतलब गलत हो रही थी, ये इस तरह से कहा जा सकता है आप जैसा दरगाह परमिशन से आते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे और मेरे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते, और हर साल यहाँ पे बहुत हम जो है तो इसका संदल पुलिस परमिशन के साथ में करते हैं, बाजाबता पुलिस की परमिशन लेके, और यहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ पे दरगाह का कार्यक्रम होता है, इसका जो है तो हमारे पास में सब रिकॉर्ड है। आपकी प्रशासन से क्या मांगे? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये दरगाह जितनी जगह इसकी इनके इस एग्रीमेंट में सौदे में तय हुई थी छोड़ने के लिए, तो दरगाह के लिए उतनी जगह बिल्डर ने छोड़नी चाहिए, और हमको दरगाह के लिए रास्ता खुला करके देना चाहिए, बाकी हमारी और कोई इनसे मांग नहीं है। और ये जो काम किया जा रहा था ये गैर कानूनी काम, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने आपके एफआईआर के बाद? तो अभी अरेस्ट नहीं किया है थोड़ा सर को।